आपको बता दें कि जनपद बांदा में देव कुमार जब सुनील के मुर्गी फार्म में चोरी करने के लिए ताला तोड़ रहे थे, उसी दौरान जाग जाने वाले देव कुमार जब तेजी से भागने लगे तो गड्ढे में गिर गए हैं। जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनते हुए सुनील कुमार ने 100 नंबर पर डायल करके पुलिस को बुलाया है। पुलिस ने देव कुमार को जख्मी देखकर पुलिस ने बांदा चिकित्सा दवा कराने के लिए सुनील कुमार जिला चिकित्सा को देव कुमार को भर्ती करवाने के लिए यहां पर रात ड्यूटी कर रहे डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव ने प्राथमिक उपचार के लिए कानपुर के लिए रेफर कर दिया। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए डीएस सोनी की रिपोर्ट। जनपद पुलिस ने हमसे कुछ नहीं कहा, कह रहा है इसको लेके जाओ। तो ये व्यक्ति आपके घर की चोरी कर रहा था जी, ताला तोड़ रहा था, जब आप लोग जग गए तो फिर ये भागा तेजी से बाहर। फिर क्या हुआ? बाहर गड्ढे में गिर गया हो या लकड़ी में किसी फंस गया हो, तो जब तक हमारी फटकी खोलते खोलते ये मतलब हमसे काफी दूर चला गया। फिर क्या हुआ? फिर जब वहाँ काफी दूर गया, ट्रांसफार्म का वो है, वहाँ पर गिरने के बाद इसने तेजी से रोया, रोने लगा जी, डायरेक्ट गुहार मार डाले। फिर क्या किया तुमने? हमने कुछ नहीं किया, इसके पास भी नहीं गए, 100 नंबर को फोन किया है, बुलाया है तो 100 नंबर वाले कह रहे थे ले जाओ इसको और वहीं ट्रीटमेंट कराओ। 100 नंबर ने कहा कि इसका इलाज करा के लाओ, तो यहाँ डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कानपुर हाईलाइट के लिए रिफर कर, कानपुर ले जाओ, यहाँ यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ट्रिपिकल है मामला।